स्वागत है आपका एक नई रेल यात्रा में। अभी फिलहाल मैं खड़ा हूँ मुंबई सेंट्रल स्टेशन पे और आज का हमारा सफर होने वाला है मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद तक होने वाला है और जिस ट्रेन से हम सफर करने वाले हैं वो है कर्णावती एक्सप्रेस। ट्रेन की बात की जाए तो ये ट्रेन डेली चलती है, 2 बजे यहाँ से डिपार्चर होती है और आपको चलो ये ट्रेन के बारे में और भी कुछ बताते रहूँगा। और अभी फिलहाल मैं आपको ट्रेन के अंदर जाके ट्रेन का इंटीरियर दिखाता हूँ और सीटिंग दिखाता हूँ, सीटिंग कैसी है। सो गाइस, ये अपने ट्रेन का इंटीरियर 3x3 का सीटिंग है। आपको कोच दिखाया, सीटिंग का अरेंजमेंट दिखाया है 3x3 का। बात करते हैं सीट की तो सीट भी अच्छी है, एडजस्ट हो जाती है आगे पीछे एंड ये भी मिल जाता है लंच के लिए। वाटर बॉटल के लिए जगह भी मिल जाता है एंड मिल जाता है पावर स्विच। अभी हम मिलते हैं आपके डिपार्चर पे, आपकी कर्णावती का डिपार्चर दिखाते हैं आपको। सो गाइस, ये ट्रेन में पैंट्री भी है, लंच तो सब नहीं होता है, बाकी जो स्नैक्स वैक्स मिलते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे सर्व होती है। सो गाइस, ये अपनी ट्रेन निकल गई। अपनी ट्रेन है जो मुंबई सेंट्रल से डिपार्ट कर चुकी है और इसका जो फर्स्ट स्टॉप है वो है अपना बोरीवली। और ये कोच अभी पूरी फिलहाल भरी नहीं है तो आई थिंक सो बोरीवली में पूरा कोच भर भी जाएगा। सो मिलते हैं आपको सीधा बोरीवली में। गाइस, हम लोग पहुंच गए बोरीवली स्टेशन जो ट्रेन का पहला हॉल्ट है और पीछे आप लोग देख सकते हो भीड़ कितनी है। यहाँ से मैंने जैसे बोला था कि यहाँ से पूरी कोच भर जाएगी, सो यहाँ से पूरी कोच भर जाएगी एंड तो ये है ट्रेन का पहला हॉल्ट। सो गाइस, कोच की पूरी हालत देख सकते हो, जब निकली थी तो कितनी खाली थी और अभी देख सकते हो कितनी भर चुकी है। पहले स्टॉप पे पूरी भीड़, पूरी ट्रेन ना, ये हो गया बोरीवली से डिपार्चर। अभी हम लोग हैं ट्रेन के वॉशरूम में। वॉशरूम की बात की जाए तो आप देख सकते हो मिरर क्लीन है ही नहीं, जरा भी क्लीन नहीं है और वॉशरूम के अंदर कितनी गंदी स्मेल आ रही है। और दूसरी चीज के अब आपको दिखाओ या ना दिखाओ पर अपना काम है भाई दिखाना। तो ये देखिए लोगों ने हालत क्या कर दी है, यहाँ से अपना हैंड वॉश भी गायब है और ये ट्रेन खाली अभी बोरीवली से खाली निकली है, मतलब एक स्टॉप के बाद ट्रेन की कंडीशन लोगों ने क्या कर दी। तो अभी रेटिंग, अभी ये रेलवे की भी गलती नहीं है, गलती तो लोगों की है, तो अभी क्या कहें। तो अभी नेक्स्ट स्टॉप है इसका वापसी, तो वापसी मिल जाए आपको। रेल नहीं है
नहीं तो वो मत दीजिए, पानी भी 15 रुपये का पानी पी सकते हैं बेच रहे हैं, और यहाँ पे जो अभी ट्रेन में जो पानी बेच रहे हैं वो लोकल पानी बेच रहे हैं, रेल नील है ही नहीं इनके पास। देखिए करते हैं कुछ, तो गाइस ट्रेन की स्पीड देखिए 129-130 तक ऑलमोस्ट जा रही है, और गाइस अपनी ट्रेन 168 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके पहुँच गई है वापस। अपनी ट्रेन को 16 मिनट डिले है, अगर अपने को रेल नील नहीं मिल रहा था तो अपने यहाँ से खरीद के, एंड यहाँ पे 2 मिनट का हॉल है। रेल नील है, रेल नील नहीं, लोकल पानी है। सो गाइस अपने को स्टेशन पे भी रेल नील नहीं मिला, अभी क्या बोल रहे अभी देखते हैं, जो भी ट्रेन में आएगा पानी वैसे से काम चलाना पड़ेगा। तो गाइस अपने को ट्रेन में रेल नील में मिल गया और वड़ा पाव भी मिल गया, तो अभी वड़ा पाव का रिव्यू देता हूँ कि कैसा है टेस्ट। सो गाइस वड़ा पाव खा के ना मतलब एक नंबर था टेस्ट, एक नंबर। तो अभी चाय का वेट कर रहे हैं, चाय वाला है तो चाय ले, बाकी ट्रेन बेस्ट। गाइस 322 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अपनी ट्रेन पहुंच गई है भरूच रेलवे स्टेशन। तो ये ट्रेन के बारे में कुछ बता देता हूँ, ये ट्रेन 10 हॉल्ट के साथ चलती है, और कर्णावती इसका नाम अहमदाबाद से पड़ा है, एंड फिलहाल मिलते सीधा वडोदरा में। और ये अपना हो गया भरूच का डिपार्चर। सो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए वडोदरा, 392 का डिस्टेंस कवर कर लिया। और वडोदरा जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक रूट यहाँ से रतलाम के लिए चले जाती है और एक रूट अहमदाबाद के लिए। तो ये अपना हो गया वडोदरा जंक्शन से डिपार्चर, और मैं आपको दिखाता हूँ, और ट्रेन 10 मिनट लेट है, अभी ट्रेन ऑन टाइम हो गई है।
रतलाम वाला से क्यों ट्रेन दिख रही, लाइट कैसे दिख नहीं रहे। एक रूट रतलाम की तरफ चली गई। सो गाइस रात होने के से मैं कुछ कवर नहीं कर रहा हूँ। सो जो सेकंड लास्ट डेस्टिनेशन है मणिनगर, मैं मणिनगर में आपको उतर के बात कर रहा हूँ। सो गाइस अभी आप लोगों को एक चीज़ मैंने नहीं दिखाया, दिखाता हूँ। ये चीज़ देख के मैं स्टार्टिंग में मैं भी शॉक्ड हो गया था। पूरा एक शो मतलब वाइन शॉप समझ लो, जैसे बड़ी लग्जरी ट्रेन में रहती है ना वाइन शॉप और मतलब कोई भी स्टोर रहता है, वो चीज़ बनी हुई है यहाँ। मैं उतर गया मणिनगर स्टेशन और मेरी जर्नी यहीं तक की थी। सो बात की जाए ट्रेन एक्सपीरियंस की, तो ट्रेन एक्सपीरियंस बहुत बेस्ट था। और दूसरी चीज़ पैंट्री में, हाँ थोड़ा बहुत स्नैक्स होते वो महंगे मिल रहे थे। और मेरे पीछे जो मुंबई से मतलब मेरे ट्रेन के पीछे जो डबल डेकर थी अपनी, डबल डेकर भी पहुँच गई है। सो आई होप आप लोगों को ये ट्रेन जर्नी अच्छी लगेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉप में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, स्टे हैप्पी स्टे सेफ।